बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लैगशिप एस्टीमेशन सॉफ्टवेयर में आपको वेलकम है। कैसे है डियर फ्रेंड्स, आज मैं डायमेंशन के बारे में एक लेक्चर दे रहा हूँ। हमारा आज का ये छोटा सा टॉपिक है फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर में यूनिट सेट करना, स्केल सेट करना। यहाँ पर सेट प्लान के साथ अक्सर आपने ड्राइंग में देखा होगा कि यहाँ पर स्केल लिखा होता है 1/2, 1/4, मगर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह करना है, यहाँ पर आना है मेजरमेंट में डायरेक्ट आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने 29 फीट 9 इंच इंटर करने के बाद अप्लाई स्केल टू ऑल पेजेस। ये इसका मतलब ये है कि ये सारे पेजेस पर ये स्केल अप्लाई होगा। यहाँ पर लिखो ऑटोमेटिकली क्रिएट द डायमेंशन लाइन। आपने ये अगर ये हो तो ये भी ठीक है, अगर नहीं हो तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट डायमेंशन लाइन, ये भी ठीक है। इसके बाद आपने ओके करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, एम का बटन प्रेस करके थोड़ा सा जूम आ जाए, नज़र आ जाए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारे पास कितने फीट आ गए, 29 फीट 6 इंच 9 इंच आ गया। ठीक है, अभी इसका नंबर है 65 फीट, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 65 फीट इंटर करना है। करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये हमारे पास आ गए 65 फीट। एक तो ये तरीक़ा है मैंने बता दिया। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो आपको अलग दो तरीक़े दोनों को अलग अलग समझा रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।